देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को लेकर झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग अलग मीडिया हाउस को कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई अटैच हो गई जबकि ईडी के खुद के कागज जो ऑर्डर है अटैचमेंट का वो क्लियर कट तरीके से बताता है कि मनीष सिसोदिया जी के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ ग्यारह लाख पचास हजार रुपए हैं। ईडी के कागज खुद बताते हैं ईडी के कागज खुद बताते हैं कि मनीष सिसोदिया जी के पास दो फ्लैट हैं, जिसमें से एक मात्र पांच लाख रुपए की वैल्यू का है और वो भी 18 साल पहले खरीदा हुआ है मनीष सिसोदिया जी का दूसरा फ्लैट जो कि उनकी पत्नी के नाम पे है पांच साल पहले खरीदा हुआ है उसकी भी वैल्यू सिर्फ पैंसठ लाख रुपए है तो कुल मिला के मनीष सिसोदिया जी की पूरी संपत्ति जिसे इन्होंने अटैच किया है जिसे जब्त किया है कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ अस्सी लाख रुपए है ईडी के खुद के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है और ये सारी संपत्ति एक्साइज पॉलिसी के बनने के बहुत पहले की तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक इस तथा कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम में एक रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ना तो मिला है ना मिलेगा